मंकी बेटा फोन दे। दोस्तों, अगर जानवरों के बारे में कुछ कहना हो तो सबसे पहले उनके अतरंगी कारनामों को देखा जाता है, क्योंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकतें करते रहते हैं। इसलिए आज हम आपको जानवरों की कुछ ऐसी फनी मोमेंट्स को दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपकी भी हंसी रुक नहीं पाएगी, और सबसे आखिरी वाली क्लिप को देखने के बाद तो आपका दिन बन जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि मंकी हमेशा से ही किसी न किसी को परेशान करते रहते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। यहाँ एक लंगूर बेचारे सीधे साधे टाइगर के बच्चे को परेशान करने में लगा। देखिए कैसे लंगूर इस टाइगर के सामने पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद कर रहा है, और बेचारे इस टाइगर के बच्चे पर झापड़ लगा रहा है। इस दौरान ये टाइगर का बच्चा भी इस लंगूर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लंगूर उसके हाथ में ही नहीं आता और लगातार बेचारे टाइगर पर झापड़ लगाकर उसे परेशान करता रहता है। ये लंगूर कभी टाइगर पर चाटा लगाता तो कभी उसकी पूंछ पकड़ता, और आखिरकार इस टाइगर के बच्चे को ही हार मानना पड़ता है। ये लंगूर तो काफी मजाकिया था रे बाबा। अब यहाँ ये डॉग बेचारा आराम से एक पॉलीथिन में कुछ खा रहा, तभी पास बैठे इस बंदर को लगता है कि उसे भी कुछ मिल जाता, लेकिन ये डॉग उसके मंसूबे को जान लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन बंदर भी इस कुत्ते का बाप था। देखिए ये दोनों कैसे एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये डॉग आगे बढ़ता है तो कभी ये शरारती मंकी। इस दौरान इस मंकी के दोनों बच्चे भी इस खाली ड्रम पर बैठकर फाइट देखने में लगे कि कौन जीतेगा। आखिरकार ये डॉग सारा खाना खा लेता है और ये बंदर बेचारा सिर पर उसका मुंह देखता रह जाता है। अब यहाँ ये बंदर बेचारा आराम से टहल रहा, तभी उसे एक कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल दिखाई देती है। बेचारा बंदर आराम से पानी पी ही रहा था कि इस पेड़ के पीछे बैठे इस दुनिया के सबसे समझदार प्राणी के दिमाग में इस मंकी के साथ प्रैंक करने का आइडिया आता है, और फिर ये टाइगर का मास्क पहनकर इस बंदर की तरफ आगे बढ़ता है। बेचारा बंदर जैसे ही इसे देखता है तो घबरा कर वहाँ से दूर भागने लगता है, लेकिन इस बंदे की खुजली अभी भी मिटी नहीं थी। ये फिर से उसे परेशान करने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है, तब बंदर भी वापस लौटकर इसकी तरफ दौड़ने लगता है और फिर से वापस जाने लगता है, लेकिन इसकी तो खुजली अभी भी नहीं मिटी थी। ये बंदा फिर से उसके पास जाता है और इस बार ये मंकी फिर से दौड़कर इस बंदे पर दो चार थप्पड़ लगा देता है, तब कहीं जाकर इस बंदे की खुजली मिटती है। क्या प्रैंक करेगा रे तू। दोस्तों, इस बंदर के लिए एक लाइक तो बनता है। अब इस वीडियो में ये मंकी बेचारा आराम से बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसे एक लेजर लाइट दिखाई देती है जो धीरे धीरे चढ़कर इसकी बॉडी पर चढ़ जाती है। इस लाइट को देखकर बेचारा ये बंदर चौंक जाता है और इसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस लाइट को हैंडल करने वाला बंदा इसे एक जगह से दूसरी जगह ऐसे हटाने लगता है। ये बंदर बेचारा इस लाइट को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे ये हटता ही नहीं है। उसके बाद एक और मंकी की नजर इस लेजर लाइट पर पड़ती है, पर ये बेचारा भी इस लाइट को नहीं पकड़ पाता है और इनकी सारी कोशिश नाकाम रहती है। अब इस वीडियो में ये बेचारा डॉग आराम से वीडियो गेम खेल रहा था, लेकिन तभी इसका मालिक कंप्यूटर बंद कर देता है, लेकिन ये बात इस डॉग को पसंद नहीं आई। पहले तो ये डॉग इस लड़के को बड़े ही गुस्से से देखता है, और फिर खुद ही देख लीजिए भाई, गेम के टाइम मजाक नहीं करते। अब यहाँ ये लड़का इन दोनों डॉग्स के सामने बैठकर बढ़िया आराम से एप्पल खा रहा था, जिसमें से एक टुकड़ा ये छोटे डॉग को दे देता है। अब बड़े डॉग को लगता है कि उसका नंबर अब आएगा, लेकिन ये लड़का फिर से इसी डॉग को ये एप्पल दे देता है। अब फिर से इस डॉग को लगता है कि इसका नंबर अब आएगा, लेकिन अब की बार भी ये लड़का एप्पल सिर्फ छोटे डॉग को ही देता है, और ये देखकर इस बड़े वाले डॉग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस डॉग को यहाँ से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और खुद से ही सारा सेब खाने लगता है। अब इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें ये मंकी अपने मालिक को कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए कैसे ये अपनी सीक्रेट बात अपने मालिक को बता रहा है, जिसके बाद इसका मालिक भी इसकी बात का रिप्लाई करने के लिए उसके कानों में ही बात बताने लगता है। इसके बाद इसका मालिक अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है और इसे भी कुछ अपने मोबाइल में दिखाने लगता है। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये बंदर अपने मालिक को उसके मोबाइल में अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाने को कह रहा था, और मालिक भी बाद में उससे कहता है कि चुपचाप देख लेना, किसी को बताना नहीं। और देखिए ये मंकी कितनी स्माइल के साथ अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहा है, ये बंदर तो काफी होशियार सारे बाबा। अब यहाँ ये मंकी अपने सामने रखे आईने में खड़े इस बंदर को यानी खुद को ही लड़ाई करने का इनविटेशन दे रहा है। देखिए इसके बाद ये चिल्लर भी यहाँ पर आकर कुछ उठपटांग हरकतें करने लगता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इनके सरदार की एंट्री नहीं हुई थी। अब इनका सरदार भी यहाँ पर पहुँचता है और वो भी इस आईने को देखकर सोचता है कि साला ये क्या भला है। अब धीरे धीरे करके इनकी सारी बारात यहाँ पर पहुँच जाती है और सब अपने अपने मन मुताबिक अपने आप को देखते रहते हैं और अपनी उठपटांग हरकतें करने लगते हैं, और ये मंकी तो इस आईने को अपने घर ले जाने की सोच रहा है ताकि वो इसे अपनी बीवी को गिफ्ट कर सके, लेकिन ये काम भी इसके बस का नहीं था। तो दोस्तों, ये था आज का मजाकिया एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक आध लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए मिलता हूँ एक धाकड़ एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।